的那种。अच्छा जी, मैं इस वक्त जा रहा हूँ ऑफिस, और आज फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन हर बंदा वैसे ही हाई चल रहा होता है क्योंकि वीकेंड आने वाला होता है, वीकेंड की चांद रात होती है। तो सीन ये है कि आज हमारे ऑफिस में पीआरसी वाले एक इवेंट अरेंज करवा रहा है। पीआरसी क्या है वो किसी दिन डिटेल में आपको बताऊंगा। पीआरसी एक टीम है हमारे ऑफिस में जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है, और आज वो हमें ऑफिस में लंच भी करवा रहे हैं, रात में हमें मूवी दिखाने भी लेके जा रहे हैं, पॉपकॉर्न का भी इंतजाम उन लोगों ने किया, और हो सकता है कि सुबह 4 बजे फांसी भी दे दें वो हमें, इतना सब कुछ करवा रहे। तो मुद्दा ये कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, और ऑफिस जाके आज के इवेंट को एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं ऑफिस। ऑफिस पहुंचे हमेशा की तरह देर से, तो खाना खत्म हो चुका था, और अभी हमने यूनाइटेड फूड ऑर्डर किया है। यार क्या सीन है यार, खाना खत्म हो गया भाई साहब? तो खाना खत्म क्यों हो गया भाई साहब? पीआरसी इस टाइम पर आओगे तो ऐसे ही होगा। आधा घंटा लेट आए यार। आधा नहीं, एक घंटा। पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ये हैं हमारे पीआरसी के चेयरमैन कहने, कप्तान कहने, पिछले 2 साल से पीआरसी की जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हुई हैं। मैं जरा तारीफ कर लूँ, जोकर मूवी का दूसरा शो है वो देखने के लिए आज जा रहे हैं हम, और क्रेडिट जाते खुर्रम को, संडे तक सारे शो हाउस खोले हैं। तो अभी हम निकलेंगे 7:30 बजे, वैसे 9:30 बजे वाइंड अप करते हैं ऑफिस, लेकिन आज हम निकलेंगे 7:30 बजे। तो चलें फिर, चलते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं न्यूप्लेक्स मूवी देखने के लिए, चलें चलते हैं फिर। चल के तरफ पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं कि कैसी लगी इनकी मूवी। कैसी लगी मूवी? मूवी लगी अच्छी मूवी, मस्ट वॉच सुपर मूवी, बट अ वेरी डिस्टर्बिंग मूवी टू वॉच ऑन अ फ्राइडे नाइट। कैसी लगी मूवी आपको? A bit slow? Sorry? A bit slow? I would say a bit slow, but the ending was not complete. Okay, take it, thank you. Movie awesome review? Movie. Awesome. तुम लोगों को पसंद नहीं आई क्या? यार देखो, तुमने खाना खराब खिलाया, हमने बर्दाश्त कर लिया। मतलब क्लाइमेक्स अगर अच्छा नहीं होता ना, तू पिटता अभी हमसे। क्लाइमेक्स के बेस्ट है, जितनी खराब मूवी उतना अच्छा क्लाइमेक्स होता है। और जो पार्ट 1 के हिसाब से काफी अच्छा उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया। बस ना पूछो यार क्या था, जिस तरीके से 2.5 घंटे गुजारे हैं ना, ये मैं ही जानता हूँ। बस ना खेला नहीं, गौर रिव्यूज मुझे नहीं मिले, मुझे अच्छी लगी। अच्छी लगी, चलो ओके थी, पक्की बात है। पैसे तो नहीं खाए तुमने? और फाइनली कूल, अच्छा कूल, 5 out of 5, 6 out of 5, 6 out of 5। चलें, ये थे पब्लिक के रिव्यूज, और अब हम थोड़ा डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल बनेगा घर जाके। तो चलें चलते। तो मैं आ गया मूवी देख के वापस, और बहुत ही कोई आउट क्लास मूवी थी यार। मतलब
मैंने तो इससे अच्छी मूवी आज तक नहीं देखी। नेक्स्ट लेवल मूवी थी, ऑस्कर विनिंग मूवी थी, ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड मूवी आई हैव एवर सीन। मतलब क्या क्या इमोशंस थे मूवी के, नेक्स्ट लेवल। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये कोई इस तरीके की सीन नहीं है, इंतहाई कोई पकाओ और स्लो पेस की मूवी है। और अगर पेशेंस है, दिल गुर्दा है तो जाओ इस मूवी को देखने, अदरवाइज कोई सीन नहीं है भाई इस मूवी को देखने का। इंतहाई कोई स्लो मूवी है, जो अच्छी चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी की है, जोकर का रोल बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो शुरू के 1.5 घंटे सिर्फ जोकर का डिप्रेशन दिखाया है और वो डिप्रेशन देख देख के हम बिल्कुल पक चुके थे, पब्लिक प्रेशर में बैठे हुए थे शायद, वरना मेरा बस चला तो मैं तो निकल आता बाहर। तो ये सीन था, लेकिन आखिर के जो 15-20 मिनट थे क्लाइमेक्स जो था मूवी का, उसमें मूवी को थोड़ा उठा दिया गया है। अब वो क्लाइमेक्स क्या था क्या नहीं था, वो अगर आपको सिनेमा जाके देखना तो आप सिनेमा जाके देखें, लेकिन मेरा मशवरा तो ये कि घर पे ही टॉरेंट वगैरह से डाउनलोड करके देख लें यार, मतलब पायरेसी गलत है, लेकिन अगर आप घर पे ही देख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा, पैसे बच जाएंगे। भाई बंदी वाला मशवरा है, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं ये कहूँगा कि जितनी हाइप क्रिएट कर दी थी इस मूवी की वैसी बिल्कुल भी नहीं है। स्लो पेस है, मतलब जिस तरीके से सीजन्स वगैरह होते हैं, अगर आप घर पे देखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप सिनेमा जाकर देखना चाहते हैं, शशका करना चाहते हैं कि भाई हम जोकर देखने के लिए गए थे, तो बिल्कुल शशका पूरा करें। और अगर आप इसकी स्टोरी देखना चाहते हैं तो वो घर पे भी देख सकते हैं। खैर मैं भी गया था देखने के लिए, लेकिन मैं तो कंपनी के इवेंट में गया था। तो सीन ये है कि इस वक्त मैं बहुत पक चुका हूँ ये मूवी देखने के बाद, तो अभी घर वापस आया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर इस व्लॉग को एडिट करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।